नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। दरअसल इस वक्त आप देख पा रहे हैं बाड़मेर के जिला अस्पताल का मेडिकल अस्पताल, जहाँ पर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के रैंकिंग 8 छात्राएं निष्कासित, वहीं 6 को चेतावनी पत्र। धमकाया, किसी को बताया तो कल्चर इवेंट प्रोग्राम में नहीं होने देंगे शामिल। बाड़मेर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलग अलग रैंकिंग मामले में कुल 14 मेडिकल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई। इसमें 8 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया, तो वहीं 6 छात्राओं की ओर से गलती मानने पर चेतावनी पत्र थमा दिया गया। कॉलेज की एंटी रैंकिंग कमेटी की जो है वो सोमवार को मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया कि बाड़मेर के जिला अस्पताल हॉस्टल में रैंकिंग का मामला सामने आया था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये तस्वीरें बाड़मेर जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की है। चेयरमैन व हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया ने बताया, व्हाट्सएप पर एक शिकायत मिली थी। सोमवार को रैंकिंग कमेटी की मीटिंग में वन बाय वन बच्चों से सवाल जवाब किए गए। इसके बाद हॉस्टल के 8 छात्राओं को कॉलेज से निष्कासित किया गया, जिसमें 6 छात्रों को 15 दिन व 2 को 2 मेडिकोज को 2 महीनों के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया। वहीं रैंकिंग मामले में सभी 6 छात्राओं को चेतावनी पत्र दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बाड़मेर जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया का क्या कुछ कहना है, वो भी आप आगे इन तस्वीरों में सुनिएगा। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद भैरानी, आगे की खबर के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, ये तो हमारे को जो है प्रिंसिपल साहब को व्हाट्सएप मैसेज जूनियर स्टूडेंट ने भेजा था, क्योंकि ये लड़के जो है रैंकिंग वाली गतिविधियों में शामिल है। तो हमारी कल मीटिंग हुई थी एंटी रैंकिंग कमेटी की, और उस मीटिंग में जो है प्रिलिमिनरी तौर पर जो है प्रिपरेशन करते हुए हमने जिन लड़कों के नाम है उनको एक बार हॉस्टल से निकाल दिया है। बाकी जो हमारे वो वन बाई वन स्टूडेंट से पूछते जा रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या हुआ, लेकिन अभी तक किसी स्टूडेंट ने ये नहीं बताया हमारे को, इसलिए कोई जानकारी नहीं। और कितनों पे कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तो सिर्फ हॉस्टल से निकाला, जहाँ पे संदिग्ध जो लड़के थे उनका नाम दिया था, उनको 8 लड़के 8 लोग हॉस्टल से निकाला। तो कुछ गलती का जो है वो दिया गया, उसको लेकर क्या कुछ उनके? नहीं, गलती का कुछ नहीं, हम अभी तो हमारी प्रक्रिया चल रही है, हम पूछ रहे हैं सभी स्टूडेंट से एक एक करके कि क्या किसने कोई गलती की है, तो वो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ वो नाम जो हमारे पास आए थे व्हाट्सएप पे, तो ये लोग संलिप्त है, तो उनके ऊपर जो हमने सिर्फ हॉस्टल से निकाला था। उनसे कैसे रैंकिंग की गई थी, क्या था कुछ मामला, वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। सब पीछे